कक्षा सात विषय विज्ञान पाठ रेशों से वस्त्र तक। रेशे किस प्रकार प्राप्त होते हैं? छोटे छोटे तंतुओं से रेशे प्राप्त होते हैं। रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं और पादपों से प्राप्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक रेशे। और कुछ जो रेशे होते हैं जो संश्लेषित रेशे होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। जांतव रेशे, जांतव रेशे किसे कहते हैं? जो सिर्फ जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जंतुओं के रेशों से प्राप्त करते हैं उसे जांतव रेशे कहते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं, जैसे भेड़, याक और रेशम के कीट। भेड़ के ऊपर खूब सारे बाल होते हैं, मुलायम होते हैं, जो कि ऊन बनाने के काम आते हैं। याक, याक के शरीर पर भी बहुत सारे अधिक बाल होते हैं अधिक संख्या में, जो कि ऊन बनाने के काम आते हैं। रेशम कीट, रेशम कीट का पालन करके हम रेशम के कीड़े को पाल करके उसके कोकून द्वारा रेशम का धागा प्राप्त करते हैं, ये कहलाते हैं जांतव रेशे। और कुछ पादपों द्वारा प्राप्त करते हैं, जो पिछले कक्षाओं में तुमने पढ़ा है, जूट के द्वारा और कपास के द्वारा प्राप्त होते हैं। ऊन, ऊन किससे प्राप्त होती है? भेड़, बकरी और याक से। इनके ऊपर एक मोटी परत होती है, बहुत अधिक बाल होते हैं, जो कि इनको सर्दी से बचाव का कार्य करते हैं, क्योंकि ये अधिक ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, इसलिए इनके बाल इनको सर्दी से बचाने का कार्य करते हैं। इनके ऊपर एक बहुत मोटी बालों की परत होती है, जिनको काट करके हम छोटे छोटे तंतुओं के द्वारा ऊन का निर्माण करते हैं। इनके ऊपर अधिक बाल होते हैं, जो कि अंदर इनके शरीर में वायु आसानी से बढ़ जाती है। ये वायु के कुचालक, वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊन, भेड़, बकरी, याक, इन जंतुओं के आवरण पर, इन जंतुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत होती है। बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है, इसमें वायु आसानी से भर जाती है। भेड़ों पर तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं। भेड़ों पर तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं। भेड़ों पर दो प्रकार के बाल होते हैं, एक तो रूखे बाल और एक मुलायम बाल। जो मुलायम बाल होते हैं उससे ऊन बनाने का कार्य किया जाता है। अब ऊन प्रदान करने वाले कौन कौन से पशु हैं उसके बारे में। याक की ऊन तिब्बत लद्दाख में पाई जाती है। याक की ऊन कहाँ पाई जाती है? तिब्बत और लद्दाख में। ये ठंडे प्रदेश होते हैं और इनकी त्वचा पर मुलायम बाल होते हैं, जिसकी सहायता से ऊन बनाई जाती है। ये ऊन तिब्बत और लद्दाख में मिलती है। बकरी, अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन एक अलग प्रकार की महंगी ऊन होती है, जिसको कि अंगोरा नाम की बकरी होती है उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये बकरी भी जम्मू एवं कश्मीर में मिलती है। अब एक कश्मीरी बकरी की ऊन से पश्मीना शॉलें बनाई जाती है। आपने पश्मीना शॉलें देखी होंगी, ये काफ़ी महंगी होती हैं। ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं। ये बकरी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, इसके ऊपर भी अधिक मुलायम बाल होते हैं, जिससे कि पश्मीना की शॉलें बनाई जाती हैं। फिर है ऊँट, ऊँट भी वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो ऊँट पाए जाते हैं वहाँ पर भी ऊँट के ऊपर अधिक मुलायम रेशे होते हैं, उसकी सहायता से ऊन प्राप्त की जाती है। दक्षिण अमेरिका में लामा एल्पेका से ऊन प्राप्त होती है। दक्षिणी अमेरिका में भी लामा और एल्पेका जानवर ऐसे हैं, ऊँट के समान इनकी संरचना होती है, उनसे भी ऊन प्राप्त होती है। तो आज हमने पढ़ा ऊन किन किन जानवरों से प्राप्त होती है, कल इनका पालन और पढ़ेंगे कि इनको किस प्रकार पाला जाता है।